हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है जयललिता की सासू माँ। सासू माँ जान गई कि बहू घर के काम में एकदम अनाड़ी है। कई वर्ष पहले की बात है, कारापुर जंगल के पास वाले एक गांव में जयललिता रहती थी। विवाह के पश्चात जब वह ससुराल पहुंची तो सासू माँ ने लपक कर उसे गले से लगा लिया, परंतु कुछ ही दिनों में सासू माँ जान गई कि बहू घर के काम में एकदम अनाड़ी है। अब क्या हो, घर तो चलाना ही था। उन्होंने बहू से कहा, जयललिता मुझसे पूछे बिना कोई काम मत करना, यदि ऐसा किया तो कुल देवता का शाप लगेगा। बहू ने सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर तो बस सारा दिन घर में यही आवाज़ें आती, माँ जी कद्दू की सब्जी बना लो, आटा कितना पीसना है, भैंस को चारा कब देना है, मैं बाल बांध लूँ, लोटे से पानी पी लूँ आदि। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन मामूली से बुखार में सासू माँ चल पड़ी। अब क्या हो सकता था, जयललिता ने दिमाग लगाया और मिट्टी की सुंदर गुड़िया बनाई। उसी को वह सास मानकर घर का काम काज करती। कोई भी काम करने से पहले वह मूर्ति से अवश्य पूछती। उसके पति मल्लड़ा ने भी कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन जयललिता मूर्ति को अपने साथ बाजार ले गई। सामान की खरीदारी से पहले सासू माँ की आज्ञा भी तो आवश्यक थी। उसने बाजार में सारा सामान मूर्ति से पूछ पूछ कर खरीदा। मल्लड़ा भी साथ ही था। वापसी पर बहुत अंधेरा हो गया। घने बादलों के छाने से हाथ को हाथ नहीं सूझता था। बरसात आने के पूरी आसार थे। हार कर पति पत्नी ने एक पेड़ की डाल पर सरड़ ली। रास्ता सुनसान था, चारों ओर घना जंगल था। डर के कारण वे लोग पेड़ से ही नहीं उतरे। उन्होंने वही रात बिताने का निश्चय किया। दोनों सुबह से थके हारे थे, पेड़ पर ही सो गए। आधी रात के करीब जयललिता की आंख खुली। उसे याद आया कि उन दोनों ने तो कुछ खाया ही नहीं। अवश्य ही मल्लड़ा को भी भूख लगी होगी। पोटली में 5 लड्डू थे। आदत के अनुसार उसने मिट्टी की सासू माँ से पूछा, भूख तो जोरों की लगी है, मैं 2 खा लूँ और इन्हें 3 दे दूँ। उसी पेड़ के नीचे 5 चोर बैठे थे। चोरी के माल का बंटवारा हो रहा था। जयललिता की आवाज़ सुनकर उन्होंने सोचा कि निश्चय ही कोई चुड़ैल उन्हें खाने की योजना बना रही है। वे सामान उठाकर भागने की तैयारी करने लगे। तभी जयललिता के हाथ से मिट्टी की मूर्ति गिर पड़ी। हड़बड़ाहट में चोरों ने समझा कि चुड़ैल ने उन पर हमला किया है। वे सब सामान छोड़कर 9:00-11:00 हो गए। जयललिता और मल्लड़ा चुपचाप नीचे उतरे और सारा कीमती सामान बांधकर घर लौट आए। मिट्टी की सासू माँ टूट गई थी। मल्लड़ा ने पत्नी को समझाया कि शायद अब माँ स्वर्ग में चली गई है, उन्हें अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। जयललिता ने पति की आज्ञा का पालन किया और अपनी बुद्धि से गृहस्थी चलाने लगी। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।